जोहार, मशाल न्यूज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाज की बात करते हैं, अपने समुदाय की बात करते हैं। राज्य है, राज्य के अंदर में विविधताएं हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। हम देश की जब बात करते हैं तो वही बातें लागू होती है। तमाम विविधताओं के बावजूद भी हम एक हैं, इसीलिए हमारा, हम कहते हैं ना, हम भारत के रहने वाले हैं, देश पर हमें गर्व है। उसी तरह हमारा जो झारखंड है, इस पर भी हमें गर्व होना चाहिए, हमारी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, हमारी परंपरा पर हमें गर्व होना चाहिए। आज हम बात करेंगे समाज की, संस्कृति की, परंपरा की, भाषा साहित्य की। झारखंड में रहने वाले जो बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय, जिसे कुड़मी समुदाय कहा जाता है, उसको लेकर लंबे समय से काम कर रहे, संघर्ष कर रहे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आदिवासी कुड़मी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री प्रसन्नजीत महतो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कुड़मी, कुड़माली भाषा साहित्य संस्कृति को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार, धन्यवाद, आभार। कुड़मी भाषा, कुड़मी जाति जो है, और कुड़माली भाषा और साहित्य को लेकर काफ़ी कुछ आप लोगों ने किया है। अभी तक लगातार संघर्ष जारी है, जैसा कि लगातार हम लोग देखते भी आ रहे हैं, आप लोगों को वाच कर रहे हैं। तो क्या कुछ, कहाँ से शुरुआत हुई थी और अब तक की कार्य प्रगति क्या है? कुड़माली भाषा को लेकर के पिछले कई वर्षों से हम लगातार संघर्षरत हैं, और इस भाषा को लेकर के संघर्ष करने के पीछे सबसे बड़ा कारण और उद्देश्य यही है कि हम जो कहते हैं कि हम कुड़मी जनजाति हैं, हम आदिवासी कुड़मी हैं, तो इसका सबसे बड़ा परिचय और पहचान हमारे इस भाषा के अंदर ही छुपा हुआ है। और चूँकि कालांतर में कई सारी ऐसे भाषाई विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं, और बाहरी भाषा और संस्कृति के अतिक्रमण के कारण में जो हमारी जो मूल भाषा है, मातृभाषा कुड़माली है, उसके साथ भी कई तरह की विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उसको संरक्षित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने समाज के ऊपर, अपने युवाओं के ऊपर इसका हम लोग कितना, इसको हम लोग प्रभावशील बना सकें, इसी को लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और इस संबंध में हम लोग पिछले कई सालों से जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो हो सकता है कि दिखता नहीं हो, लेकिन ये समाज के लिए, आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उनके लिए आने वाले दिनों में ये बहुत ही महत्व पैदा करेगा, और उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। भाषा अपनी पहचान होती है, वजूद होता है इसी में। अगर अपनी भाषा ही को ही हम विसार दें तो अपनी पहचान मिट जाती है, और उसके संरक्षण के लिए आप लोग लगे हुए हैं। तो अब तक क्या कुछ काम हुआ है, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है, कहाँ कहाँ चुनौतियाँ आई हैं? देखिए, इसके पहले इसका थोड़ा इतिहास का वर्णन करना ज़रूरी है। जी ज़रूर। क्योंकि हम जो कहते हैं हम कुड़मी समुदाय हैं, तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ, मैं इसके उत्पत्ति पर तो अभी नहीं जाऊँगा, वो काफ़ी लंबी इतिहास बन जाएगी। हमारी जो शुरुआत हुई, मतलब समाज का जब निर्माण हुआ, सभ्यताओं का उदय हुआ, संस्कृति पनपी, परंपराएं पनपी, उस समय से, मतलब आदिकाल से जो हमारा समुदाय एक विशिष्ट भाषा और संस्कृति का निर्वहन करते आ रहा है, उसको लेकर के कई सारी जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें देखा जाए तो पिछले 1.5 साल के दरमियान हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों से लेकर के विभिन्न जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी को इससे अवगत कराया है, और कहीं ना कहीं हमारा काम एक अंतिम स्टेज में भी पहुंचा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे ही समाज के कुछ लोग इसमें विभ्रांति पैदा करने का काम करते हैं, और लोगों के बीच में एक भ्रम का स्थिति उत्पन्न करने का काम करते हैं। मेरे विचार से तो ऐसा उनको, उनके क्रियाकलापों को देखते हुए लगता है कि उन्हें हमारे समाज के हितों से कोई सरोकार ही नहीं है, और वो अपने मतलब के लिए या निजी स्वार्थ के लिए या फिर राजनैतिक लाभ के लिए पता नहीं किन कारणों से पूरे समाज को विच्छिन्न करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पहचान करने की ज़रूरत है, और अपने समाज की भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। वो जो दिग्भ्रम उत्पन्न करना करते हैं, उसमें सबसे पहला बात जो आता है सामने उनके माध्यम से कि हम लोग समाज को बाँटने का काम कर रहे हैं या फिर समाज को विखंडित करने का काम कर रहे हैं, तो मैं पूरे समाज को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा जो काम है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारे पूरे समाज को एकजुट करना है और संगठित करना है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम अपने समाज के बारे में जानेंगे, अपने समाज के बारे में हम समझेंगे, तभी ये चीज़ संभव है।
इसलिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं और हमारा क्या है। ये बात को जान लेने के बाद हमें और कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम कौन हैं, इसमें जब बात आती है तो कई लोग इसमें कहते हैं कि हम कुर्मी हैं, कोई कहता है हम कुर्मी हैं, क्योंकि जब भू अभिलेखों में हम लोग देखते हैं, जैसे खतियान हो गया, खतियान में हमें कई तरह से हमारे कुड़मी समुदाय को नाम लिखा गया है। कहीं कमे हरसुमा मामे दीर्घी रेप लिख दिया, कहीं कमे हरसुरा मामे दीर्घी लिख दिया, कहीं कमे हरसुड़ा मामे दीर्घी लिख दिया। तो ये विसंगतियाँ कैसे उत्पन्न हुई, इस पर हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि एक समुदाय का 8-10 नाम कैसे हो सकता है, ये तो संभव है नहीं, एक समुदाय का एक ही नाम होगा। तो इस पर जब हम लोग देखते हैं तो भारत देश में जब पहला सर्वे शुरू हुआ, जब लिखा पढ़ी का काम शुरू हुआ, तो सबसे पहले यहाँ अंग्रेज़ों ने सर्वे करने का काम शुरू किया था जब ब्रिटिश राज था। उस समय 1872 में पहला सर्वे हुआ था और ईटी डाल्टन साहब ने सबसे पहले हमारे समुदाय के बारे में जब लिखा, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे अखंड यात्रा का जिक्र किया कि ये इनका एक बहुत ही विशिष्ट पर्व है। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ी में अड़ा अक्षर का विकल्प नहीं होता है और अड़ा अक्षर के सभी शब्दों को आर अक्षर से ही उसको डिनोट करते हैं, आर अक्षर से ही लिखते हैं, तो हमारे कुड़मी समुदाय का भी नाम जब उन्होंने वहाँ मेंशन किया तो KURMI से मेंशन किया। यहाँ समस्या ये उत्पन्न हुआ कि भारत देश में हमारे बृहत्तर जो ये छोटा नागपुर पठार में बसवास करने वाले कुर्मी समुदाय के अलावे बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी एक अन्य समुदाय बसवास करती है, जो जिसको कि हम लोग कुर्मी के नाम से जानते हैं। तो हमको भी कुर्मी को भी KURMI और कुर्मी को भी KURMI से ही उन्होंने लिख दिया। तो इस वजह से एक ही शब्द नाम होने के कारण में उनको अलग अलग आकलन करने में दिक्कतें आईं। इस चीज़ को 1891 ईस्वी में HH रिजले जी ने द टाइप्स एंड कास्ट ऑफ इंडिया में उसको स्पष्ट किया कि उन्होंने सबसे पहले तो हमारा जो शारीरिक मापदंड है, अन्य जनजाति समुदाय हमारा और बाकी लोगों का, सबका शारीरिक मापदंडों का आकलन किया, सामाजिक और पारंपरिक के जो चीज़ें होती हैं उनका आकलन किया और उसके माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि यहाँ छोटा नागपुर पठार के जो कुर्मी समुदाय हैं ये, और बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र के जो कुर्मी समुदाय है वो, ये दोनों अलग नस्ल के अलग समुदाय हैं और इनको अलग किया जाना चाहिए। ये प्रमाण भी हो चुका है, बिल्कुल प्रमाणित है और पूर्ण रूपेण प्रमाणित है। और इसके साथ ही 1903 ईस्वी में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उच्चारण के आधार पर इसको स्पष्ट किया कि छोटा नागपुर पठार के जो कुर्मी समुदाय हैं ये अपने नाम का उच्चारण हार्ड आर यानी कि अड़ा के रूप में करते हैं। वहाँ KURMI जो लिखा हुआ है उसमें आर को कहा कि इनका नाम का उच्चारण इसमें हार्ड आर होगा और बिहार, यूपी वाले लोगों का सॉफ्ट आर मतलब र के रूप में। इसी को फिर बाद के जो वैज्ञानिक हैं आपका LSSS मौले जो सरायकला गैजेटियर जिन्होंने लिखा, या फिर PC राय चौधरी जिन्होंने धनबाद गैजेटियर लिखा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया ये हार्ड आर जो है ये सॉफ्ट डी के समतुल्य है। और उसके बाद कुमार सुरेश सिंह जी ने जो रिसेंट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ था भारत देश का, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से द कुर्मी के रूप में कुर्मी महत्व और कुर्मी महत्व को अलग किया और कुर्मी को जो दूसरे प्रांतों के कुर्मी हैं उनको अलग किया, मतलब कुर्मी और कुर्मी ये दो सेपरेट रूप से अलग हो चुके हैं। और इसमें हमारे छोटा नागपुर पठार के अंदर बसवास करने वाले जितने भी हमारे कुर्मी भाई बंधु हैं, खतियान में उनको किसी भी तरीके से लिखा गया हो वो सभी कुर्मी हैं, ये प्रमाणित रूप से सत्य है और इसको हमको मान करके चलना होगा, अपनी आइडेंटिटी को डिस्टिंक्ट करना होगा, अलग करना होगा, तभी हम अपने मकसद में हम कामयाब हो सकते हैं। ये झारखंड के कुछ एक जनप्रतिनिधियों ने भी कुछ इस बात को लेकर कुर्मी जो शब्द है इसको संशोधित करने की, कुर्मी से कुर्मी में, तो कई जनप्रतिनिधियों ने भी कुछ पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स उन्होंने दी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें भाषा को लेकर के है, कुर्माली और कुर्माली को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं कुर्मी जनजाति की मातृभाषा कुर्माली की, और हम लोग देखते हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर, झारखंड के विश्वविद्यालय में, पश्चिम बंगाल में तो कुर्माली नाम से ही पढ़ाई लिखाई होती है, उड़ीसा में भी कुर्माली नाम ही प्रचलित है, यहाँ तक कि असम में भी असम कुर्माली साहित्य सभा के नाम से लोग काम कर रहे हैं। तो
झारखंड के अंदर में जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ वही आर का चक्कर में के यू आर एम ए एल आई और उसको फिर हिंदी रूपांतरण में आर के जगह में रा कर दिए जाने के कारण में कुरमाली नाम से ही अभी तक पठन पाठन हो रहा है। लेकिन जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में भाषा को लेकर के सभी कुरमाली नाम से एकमत हो चुके हैं, क्योंकि वही सही है और उसी से हमारी पहचान बनती है। और उस पहचान को स्थापित करने के लिए हम लोगों ने सभी विश्वविद्यालयों में जा कर के पिछले 1.5 साल के दरमियान में आवेदन दिया, ज्ञापन दिया उस शब्द को संशोधित करने के लिए। और उसके बाद में पिछले विधानसभा सत्र से पहले हमने 19 माननीय विधायकों को ज्ञापन सौंपा था। उसमें से खरसवां के माननीय विधायक श्री दशरथ गगराई जी ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया। शून्यकाल के दौरान में जमशेदपुर पूर्वी के माननीय विधायक श्री सरयू राय जी ने मामले को उद्बोधन किया। और सबसे बेहतरीन तरीके से गोमिया के माननीय विधायक श्री लंबोदर महतो जी ने प्रश्नकाल के दौरान बहुत ही सटीक तरीके से बात को रखा कि हमारी जो मातृभाषा है वो उसका नाम कुरमाली नहीं कुड़माली है। और विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में जो भी ये त्रुटिपूर्ण कुरमाली शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है उसको पूर्णतः विलोपित करते हुए कुरमाली नाम संशोधित किया जाए। और सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया है और सदन के माध्यम से भी उन्होंने पूरे समाज को ये आश्वस्त किया है कि जल्द ही संवैधानिक तौर पर गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से वो इसको संशोधित करेंगे। तो मैं अपने समाज की ओर से, पूरे समाज की ओर से, पूरे हमारे 2 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के वाले समाज की ओर से उन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही झारखंड सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसको अमल में लाते हुए उसको पूरा करने का काम करें। और अगर इसको अगर इसी तरह से लटका करके रखा जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे मूल पहचान और अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। एक बहुत बड़ा और विशाल बृहत्तर आंदोलन इसमें खड़ा हम लोग करेंगे। ये तो राज्य सरकार की बात हुई, काफ़ी बातें हुई भी और संज्ञान में लिया भी गया है। अब केंद्र सरकार की के पाले में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगर मान्यता देती है, भाषा कोड को लेकर है, कई चीज़ें हैं, तो उसको लेकर अब आगे का कार्यक्रम किस तरीके का है आपका? केंद्र सरकार के लिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग झारखंड के राज्यपाल महोदय से इसमें मुलाकात कर चुके हैं। उनके माध्यम से हमने 5 सूत्री मांगे भी रखी। सभी विषयों पर उन्होंने एक एक विषय पर गहनता से विचार विमर्श किया हमारे साथ, सभी को पॉइंट आउट भी किया, नोट किया और आश्वासन दिया कि उन सभी मांगों पर वो जल्द सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोग यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का दिन है 21 फरवरी 2024, उस दिन हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में एक विशाल धरना कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड के अलावे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम से भी सैकड़ों जो प्रतिभागी हैं वो शामिल होंगे। और वहाँ हम लोग धरना कार्यक्रम के माध्यम से अपनी भाषा और संस्कृति को हम लोग प्रदर्शित करेंगे और केंद्र सरकार को हम लोग गृह मंत्रालय में जा करके ज्ञापन दे करके अपनी जो विभिन्न जो मांगे हैं, खास करके कुड़माली भाषा के लिए जो त्रुटिपूर्ण कुड़माली शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है उसको कुड़माली नाम से संशोधित करना, दूसरा हो गया भारत की जनगणना के भाषा सूची में कुड़माली भाषा कोड को लागू करना, और तीसरा हो गया कुड़माली भाषा जो देश की कई जो मतलब विशेष जो संस्कृति है, विरासत है, धरोहर है, उनको जो निर्वहन करते हुए आ रहे हैं उस भाषा को, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराना, ताकि इस भाषा के माध्यम से हम लोग देश की कई जो अति विशिष्ट संस्कृति है, परंपरा है, विरासत है, धरोहर है, उसको हम लोग बचा करके रख सकें, संरक्षित करके रख सकें। यही हम लोग राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, सभी से यही अपेक्षा रखते हैं और उम्मीद रखते हैं। कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष तभी सफल हो सकता है जब उस समुदाय में एकजुटता हो और बिना किसी दुविधा के लोग आगे बढ़ें, अपनी पहचान को संरक्षित करने के लिए, अपने संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने भाषा साहित्य को बचाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना ही होगा तभी, और नहीं तो फिर उसी तरीके से चलता रहेगा, जहाँ से हम चले वहीं पहुँचेंगे और बार बार लगातार अब प्रहार भी होता रहेगा अलग अलग तत्वों के द्वारा, कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा भी, जिनको समाज, समुदाय, देश, राज्य से कोई सरोकार नहीं होता है और उनके भुलावे में, उनके छलावे में हम लोग चलते रहेंगे। इसलिए जैसा कि इन्होंने बताया कि 21 फरवरी 2024 के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर कुड़माली
भाषा, साहित्य और अपनी पहचान को लेकर एक धरना का आयोजन हुआ है, जिसके लिए इन्होंने कहा भी है कि तमाम जो लोग हैं कुड़मी समुदाय के, जो कुड़माली भाषा के पक्षकार हैं, वो वहाँ पर जुटेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो जो लोग जो इसमें जो व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते हैं, हमारे समाज के लोगों को उनको पहचानना होगा। वैसे लोगों से अगर हम लोग दूरी नहीं बनाएंगे, और सबसे खास करके जब तक हम लोग अपने पहचान को डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे, रा और ओब्लिक को जब तक हम नहीं छोड़ते हैं, तब तक मतलब जब तक हम कुर्मी और कुर्मी ओब्लिक कुर्मी लिखते बोलते रहेंगे, तब तक हमारा पहचान जो है डिस्टिंक्ट नहीं होगा, और दूसरे जो प्रांतों के कुर्मी समुदाय हैं उनसे हमको मिलाया जाता रहेगा। इसलिए सबसे पहले इसको डिस्टिंक्ट करना ज़रूरी है, और जो लोग इसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं उनको भी पहचान करने की ज़रूरत है, और जो भी लोग उनको प्रश्रय देते हैं, चाहे वो सामाजिक हों या राजनीतिक, उनको भी ये समझना होगा। और कहीं ना कहीं समाज की जनभावनाओं को दरकिनार कर अगर वो लोग ऐसे चंद आर्थिक तत्वों को अगर प्रश्रय देते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज की जो जनभावनाएं हैं उनका जो आघात है वो एक अभिशाप बनकर उनके लिए भी उभरेगा। और अगर हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो निश्चित रूप से उनके भी भावनाओं को समाज ठेस पहुंचाने का काम करेगा। ये आने वाले समय में उनको भी सचेत होने का ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को प्रश्रय ना देते हुए, समाज की जनभावनाओं का कदर करते हुए, उनको उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को संरक्षित करने का उनको साथ और सहयोग देना चाहिए। उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो, वो वंचित ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो, पक्षपात भेदभाव ना हो, इन सभी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए उनका सहयोग करना चाहिए।